विटामिन डी आम बॉडी रे गोटे बहुत मेजर रोल प्ले करे। आमर बोन रो स्ट्रेंथ बढ़ेबा सहित आमर इम्यूनिटी को बढ़ेबारे मध्ये विटामिन डी रो बहुत भूमिका रही। किंतु आज समय जदि आम देखा ऑलमोस्ट लाइक आम टोटल पॉपुलेशन रो 75-90% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। एवं ए डेफिशिएंसी रो जदि आम एज ग्रुप को देखा ऑलमोस्ट लाइक 18-30 इयर्स जोटा कि सबुठ यंगर जनरेशन आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी मैक्सिमम। तेबे ए जो डेफिशिएंसी रहुछि ए डेफिशिएंसी अछि बोले आम जानिबा केमिति। मैक्सिमम टाइम रे विटामिन डी डेफिशिएंसी रो कोनो से प्रकार सिम्पटम्स आसेनी। किछिटा नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स रो आमे से जिनसटा जानी परियो, जेमती कि आपणकर क्रोनिक लो बैक एक रहिबो, माइलजिया रहिबो, लेथार्जिक लागिबो एवं आपणकर काम करिया को कोनो से प्रकार स्पृहा आसिबोनी। रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होउछि ताहले इवन डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जदि आपणकर अछि मेडिसिन नउछन्ति तापरे भी आपणकर कंट्रोल होनी। एवं किछिटा स्पेसिफिक एज ग्रुप रे जेमती कि पोस्ट प्रेगनेंसी हला, मेनोपॉजल टाइम हला, प्यूबर्टी टाइम हला, ए टाइम रे जदि ए सब नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स बहुत अधिक देखा जाउछि ताहले आमे यूजुअली गोटे जिनस चिंता करंती जे विटामिन डी रो डेफिशिएंसी थाई पारे। सो जानिबा केमती जे आमर विटामिन डी रो डेफिशिएंसी अछि सेथिलागि गोटे टेस्ट करा हुए जो थे कि आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो थ्रू आप जापर जो विटामिन डी रो लेवल बॉडी रे केते अच्छी। यूजुअली आम गोटे जिनस ये करूँ जदि 20-30 नैनोग्राम पर एम एल भितर अच्छी ताहले दैट इज माने इनसफिशिएंट, बिलो दैट इज डेफिशिएंट, मोर दैन 30 इज नॉर्मल। तेणु जदि आप रेंज रे आसुचंती प्रथम जना पड़ो। सेकेंड जिनस है जदि आम आहुरी फर्दर टेस्ट करने को चाहते एक्सरे बा बोन स्कैन कले बोन रो पोरोसिटी जना पड़े, माने जदि बोन आपणकर बहुत वीक अच्छी से आम जापर जे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर तो दैट मे बी ए कन्सिक्वेन्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। एगुड़ाक आम जान लें विटामिन डी डेफिशिएंसी अच्छी। देन जिनस आसला कौन कौन रिस्क फैक्टर अच्छी जो थे कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसी को आम बढ़े दिए, केतेटा नेचुरल रिस्क फैक्टर जोड़ा मुझे आपको कहली जमीक आप प्यूबर्टी हो, पोस्ट प्रेगनेंसी हो, मेनोपॉज हो, एगुड़ाक हूँ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो थे बड़े आपणकर डेफिशिएंसी हम तांगे गोटे जिनस आसूँ इनक्रीज्ड एज जोटा को आप चेंज कर पारे। एज बढ़ले आपणकर बॉडी रे डिफरेंट हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म रे चेंजेस आसे जोटा कि आपणकर विटामिन डी एसिमिलेशन रे एवं कैल्शियम एसिमिलेशन रे प्रॉब्लम पकई थाए जहाँफल कि आपंकर सफिशिएंट बॉडी रे विटामिन डी फॉर्मेशन हो पारे। आउ केतेटा जिनस हूँ नॉन मॉडिफाय माने मॉडिफायबल, एगुड़ाक तो आपंकर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आसला। आउ किछटा आसला मॉडिफायबल रिस्क फैक्टर्स जोगुड़ाक आपंकर बाहर जिनस जोटा कि आप बंद कले जिनसटा बंद कर पारे, जमीक गोटे स्मोकिंग एवं आउ गोटे अल्कोहल, एगुड़ाक आपंकर गोटे एंजाइम जोगुड़ाक विटामिन डी सिंथेसिस रे आम बॉडी रे हेल्प करे ताकू नष्ट करे। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये जिनसटा को ये करे। सेकेंड जिनस है ओबेसिटी, इन ए वे ओबेसिटी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो पार, विटामिन डी डेफिशिएंसी रे भी ओबेसिटी हो पार, सो वाइस वर्सा, तो सेटा गोटे फैक्टर रहला। ता संगे आउ केतरा जिनस आज समय देखा गले एयर पल्यूशन बहुत अधिक, एयर पल्यूशन हवा फल यूजुअली यूवी बी रेज आम दरकार हुए बॉडी रे सिंथेसिस हाँपाई विटामिन डी। तो जदि बहुत मात्रा रे कार्बन पार्टिकल्स बढ़ुच्छे तो अमाउंट ऑफ यूवी बी रेज जोटा आम पाऊचे से कमी जाए जहाँफल कि सिंथेसिस कम हुए। आउ गोटे बहुत बड़ जिनस आपणकर पिगमेंटेशन बॉडी रो जदि आमर जेहेतु मेलानिन पिगमेंटेशन बहुत अधिका थाए यूजुअली इंडियन सिनेरियो देखि जो डार्क स्किन से भी सिंथेसिस कम हुए। ता संगे आउ केतेटा जिनस आसुचि जदि आम कौनसी प्रकार डिजीज रे सफर करचे आइदर इट इज ए रेनल फेल्योर और लिवर फेल्योर और आपणकर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम किछिटा अछि ताहले आपणकर प्रॉपर्ली बॉडी रे विटामिन डी अब्सॉर्ब हो पारिबे। तेबे जो सप्लीमेंट कथा आमे कहूचे से सप्लीमेंट आमे केते अमाउंट रे नबा केमिति नबा, प्रथम कथा तो आपण जेतेबेले डेफिशिएंसी होची डू विजिट ए पेन क्लिनिक जोठी आपणकर प्रॉपर्ली डायग्नोस हो पारिबो जे आपण विटामिन डी डेफिशिएंसी रे सफर करचोति। ता परवर्ती क्षेत्र में आप विटामिन डी केते दिन नेबे, तबे नॉर्मल जदि डेफिशिएंसी अच्छी और इनसफिशिएंसी अच्छी ताहले आम एडवाइस करूँ 60,000 इंटरनेशनल यूनिट रो जो आसे मेडिसिन विटामिन डी सेटा सप्ताह को थरे करके आप कंटिन्यू करें फॉर 12 वीक्स। तापर आप मेंटेनेंस थेरेपी नहीं पारे से ही मेडिसिन टा मासक थरे थरे करके कंटिन्यू करें फॉर 1 ईयर और
जदि डेली बेसीस नाक चाहिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट थिबा वाला मेडिसिन अवेलेबल अच्छे जोटा कि आप डेली बेसीस भी नहीं पारे। जो मानकर सीवियर डेफिशिएंसी होउची सेमानक क्षेत्र में आम इंजेक्शन्स दे पारिबा 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट रो इंजेक्शन्स आसुची। नॉर्मल क्षेत्र में आम से 6 मास को थरे नवा पई को किंतु जो मानकर सीवियर डेफिशिएंसी अछि सेमाने इनिशियल फेजेस रे सप्ताह को थरे करिके सेमाने नै परिबे गोटे मास पर्यंत एवं ता परे सेटा को कंटीन्यूअस डोज रे आम ओरल थेरेपी रे चेंज कर दे परिबा। तेबे एई केतटा जिंस रहिला आपनकर आमे केमिति विटामिन डी सप्लीमेंट्स दबा ए तो थिला डिस्कशन ऑन कि आमे केमिति मेडिसिन देकी विटामिन डी रो डेफिशिएंसी को करेक्ट कर परिबा किंतु आमे सब बेले भूल जांती देयर इज ऑलवेज ए नेचुरल वे। विटामिन डी रो रिचेस्ट सोर्स होउची सन एक्सपोजर तो सेथिलागी आमे से जिंसटा केबे भूलिबा कथा नुहे। बॉडी रो अमर जदि 18% ऑफ द स्किन सरफेस एरिया मात्र 35-45 मिनिट भी जदि आमे सन एक्सपोजर होउची ताले सफिशिएंट अमाउंट रो विटामिन डी आम बॉडी रे तयारी हे परिवो जहा फळ रे कि आमको आउ सप्लीमेंट नबा दरकार नै। बट आज समय जदि आमे देखियो छोटो छुआ रु बड़ लोक पर्यंत प्रायत एवरीबॉडी इज स्टेइंग इनसाइड द रूम बाहर खेल बुलवा और सकाल टाइम रो जो सन एक्सपोजर टाइम बहुत ह्रास पाई जाउची एवं सकाल टाइम प्रायत लोक मैंने ऑफिस बाहर की जीवा चक्कर रे सन एक्सपोजर पार्ट भूली जाउचन जहाँफल कि आपणकर बॉडी रे जो नेचुरल सिंथेसिस हवा कथा विटामिन डी सेटा हो पारुनी। सेकेंड आसला आपणकर डायट्री सोर्सेस मैक्सिमम डायट्री सोर्सेस ऑफ विटामिन डी इज नॉन वेजिटेरियन से लगी जो मैंने वेजिटेरियन सोर्सेस रे खाऊन जो मानकर यूजुअली वेजिटेबल्स रे डिपेंडेंट अच्छा से मैं केवल किछिटा मात्रा रे कहिया को गले सन एक्सपोज्ड मशरूम्स अच्छी जोटा नहीं पारे कि फोर्टिफाइड फूड जो थे कि विटामिन डी फोर्टिफाई कराई कि सप्लीमेंट्स तेणु जो मैंने वेजिटेरियन अच्छा प्योरली से बेसी ध्यान देवा कथा कहीं से सेतबेले जानती जेतबेले कि किछ गोटे ट्रिवियल फ्रैक्चर हबो बोन वीकनेस है कि फ्रैक्चर हबो सेतबेले जे जानती जे नै हमर विटामिन डेफिशिएंसी थाई पारे। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से माने सप्लीमेंट्स नबा आरंभ करे। सो दिस आर द थंब रूल्स लाइक आमे नंबर 1 हैला जे सन एक्सपोजर टाइम हमर बढेबा दरकार बीइंग इंडियन हमर स्किन यूजुअली ब्लैक थाए मेलानिन पिगमेंट बेसी थाए तो आमर स्किन एक्सपोजर टाइम सन एक्सपोजर टाइम आम बढ़ेगा कथा। सेकेंड है फोर्टिफाइड फूड्स आमको नाक पड़ो जो थे कि सफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी अच्छी। थर्ड इज विटामिन डी सप्लीमेंट्स आमको नाक पड़ो जदि आम डायग्नोसीस होती आम इनसफिशियंसी अच्छी और डेफिशियंसी अच्छी आमको नाक पड़ो एति जिनस जदि आम मानिकी चलुचे तेल आइडियाली विटामिन डी डेफिशियंसी हेनी जो कम्प्लिकेसन्स उपजुच्छे से गुड़ाक हेनी। जदि लॉन्ग टाइम पे हमर विटामिन डी डेफिशिएंसी रहुची एवं आमे ताको नेग्लेक्ट करचे ताहले केतरा जिंस आमको सामना को आसे जमती कि आपणकर डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन एउडाक यूजुअली जोडाक मेडिसिन कंट्रोल हे जीवा कथा कुएनी काहेकि विटामिन डी डेफिशिएंसी इंसुलिन रेजिस्टेंस करे जहाँ फल कि आपणकर ठीक मात्रा रे मेडिसिन नेला परे भी डायबिटीज कंट्रोल न हो पारे एवं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जोटा आम बॉडी रे अच्छी जोटा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे ता ऊपर इफेक्ट पठे पकई थाए विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो ए दुटा रोग आपणकर बढ़ी पारे। एंड सेकेंड सबुठू मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस हला विटामिन डी रो डेफिशिएंसी जो आपणकर बोन रो पोरोसिटी बढ़ी जाए जहाँ फल कि आपणकर बोन बिकम पोरस एवं बोन रो डेंसिटी कमी जाए जहाँ फल कि केते बेले भी आपणकर गोटे सामान्य माड़ बाजिले बा पड़गले भी फ्रैक्चर होबार चांसेस थाए। ये सब लक्षण गुड़ाक आपणको नॉर्मली आखिरे देखा जाए नहीं सेथिलागी सठिक समय रे आपण विटामिन डी रो सप्लीमेंट नहीं विटामिन डी लेवल बॉडी रे मेंटेन करके रखा कथा जहाँफल कि लॉन्ग टर्म रे ए कॉम्प्लिकेशंस गुड़ाक अवॉइड कर पारे। एवं अनदर बहुत इंपोर्टेंट जिनस होची विटामिन डी रो रोल इन मेंटेनिंग इम्यूनिटी आमर बॉडी रो नॉर्मल इम्यूनिटी को मेंटेन करिया पे निहाती दरकार से लगे जो मानकर रिपीटेड देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अच्छी दैट इज अगेन ए इंडिकेटर कि आपणकर हुए तो विटामिन डी कम थाई पारे। सो यू शुड गेट इट टेस्टेड एवं केबे भी ए सब मेडिसिंस बा ए जो सिम्टम्स आसुची ताकू जानिला परे आपण ताको अनदेखा करिया कथा नुए डू विजिट ए पेन क्लिनिक जोटी कि यार सठिक उपाय ट्रीटमेंट करा जाई परिबो।